मैडम ये आने का टाइम में हाथ में ही रहना चाहिए क्या? ओ भाई ये चला गया दुनिया छोड़ के, इसको क्या हो गया? आज मैं हूँ असम का गुवाहाटी में। आज मैं हूँ असम का गुवाहाटी में, जहाँ हम लोग का सिटी पड़ता है। यहाँ पर बहुत बड़ा एक पार्क है एकोलैंड बोल के, जिसमें अभी जाने वाले हैं। उधर जाके घूम के आप लोगों को दिखाएंगे। अभी मतलब घर से निकाल रहे हो और हम लोग का गांव से मतलब करीमगंज डिस्ट्रिक्ट या सिलचर हुजाई ये सभी से मतलब आ रहे हो अगर गुवाहाटी में, और आने के बाद एकोलैंड कहाँ पर है आप लोगों को पता नहीं है, तो इस वाले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाएंगे एकोलैंड में कैसे जाते हैं। फिलहाल एक कैब बुक किया है, तो कैब में उठेंगे और उसके बाद जाएंगे। तो पूरा ब्लॉग को एंड तक देखते रहना, पूरा एंड तक देखोगे तो पूरा समझ में आएगा। डूड वीडियो को पहले से ही लाइक करके रख दो, हो सके तो एक शेयर कर दो। रोड जैसे कि तुम लोग को बताया था कैब आ गया है, कैब में चढ़ते एंड बाकी का कार में बैठ के बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। सो रूट जो होगा देखा जाएगा। तो लेट्स गो। बताया था मैंने कार में बैठ के कुछ बोलूंगा, यही बोलना चाहता था कि गुवाहाटी मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज से 25 किलोमीटर जाना पड़ता है एकोलैंड में जाने के लिए। कभी भी आओगे तो कैब बुक कर लेना, आपको कैब वाला लेके जाएगा। और वहाँ पर जाने के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है तो वहाँ जाने के बाद दिखाऊंगा, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा भी। फिलहाल तो जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद दिखाएंगे क्या सीन होगा। फाइनली एकोलैंड में आ गए हैं, ये देख सकते हो भाई साहब, ओपी व्यू है बाहर से देखने में इतना मस्त। अंदर में क्या होगा, अंदर में क्या चीज होगा। सो भाई गाइस मजा होने वाला है, सो वीडियो को एंड तक देखते रहना। और अभी उतरते हैं, देखते हैं। उतरो उतरो उतरो, गाड़ी में एसी ऑन था इसलिए बाहर आने के बाद आई, इतना गर्मी लग रहा है। देख सकते हो भाई खतरनाक वाला व्यू है। ये पार्किंग है और उस टाइप एकोलैंड का व्यू दिखा देता हूँ। फाइनली एकोलैंड में लेके आ चुके हैं हमारा भैया, अभी अंदर जाके देखेंगे टिकट कितना है, कितने में अंदर एंट्री करते हैं हम लोग को पूरा आप लोगों को दिखाएंगे। क्योंकि गुवाहाटी एकोलैंड में आओगे तो कितना रुपए चाहिए अंदर जाने के लिए, सो सब कुछ इस ब्लॉग में डिटेल्स में दिखाऊंगा। सो ब्लॉग में आग लगाने वाला हूँ, सो गाइस वीडियो को एंड तक देखते रहो। एकोलैंड में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, सो रूट मजा होने वाला है। सो जो भी करता हूँ तुम लोग के लिए करता हूँ यार, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फेसबुक में देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर दो यार। टिकट कहाँ से लेते हैं अंदर और पूरा बताऊंगा कैसे टिकट लेना है कैसे नहीं। हाँ, मेरा एक भैया को पूछा था एकोलैंड में मतलब अंदर एंट्री करने के लिए कितना रुपया चाहिए, उन्होंने बोला 150, तो इसलिए हम लोग इतना दूर से आया। फिर यहाँ पर आने के बाद 700 बोल रहे हैं, तो 150 रुपया सोचा था, तो 150 रुपया नहीं है, 710 रुपीज है। तीन टिकट खरीद रहा हूँ मैं और मेरा दो फ्रेंड, अभी जाएंगे तो अंदर जाके दिखाएंगे, तो टिकट खरीद लेते भैया। पूरा 2100 रुपया दे रहा हूँ तीन टिकट के लिए, लिटरली गाइस बहुत बुरा लग रहा है, बजट से ज्यादा हो गया, लेकिन शौक तो शौक है ना, शौक पूरा करना पड़ेगा। और ये हमारा तीन टिकट, सो लेट्स फन गाइस। मैडम ये आने का टाइम में हाथ में ही रहना चाहिए क्या? बैग ही चेकिंग कराना पड़ता है। बैग वगैरह पूरा चेक कर लिया, अंदर जाएंगे अभी जाके देखेंगे, तो लेट्स गो। देख सकते हो गाइस फास्ट में एंटर होने के बाद कुछ इस साइड से पानी गिरता है, इस साइड से भी पानी गिरता है। गाइस डूड क्या बताओ यार, इतना मस्त फीलिंग आ रहा है ना, वो भाई साहब ऊपर से वाटर आ रहा है। We'll be right back.
गाइस अभी यहाँ पर बैग को ओपन करके रखते हैं एंड और हम लोग का हाथ में क्या दिया है ये देखो, ये सबका हाथ में है। ऐसा करो हाथ देखो हाथ में क्या है, अगर ये खोल दिया ना तो बाहर जाने नहीं देंगे ये लोग, तो इसको हाथ में ही रखना चाहिए सेफली। गाइस इसको ओपन कर देता हूँ, बाद में दिक्कत हो जाएगा तो देखो मेरा वाला ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर बैठने का जगह है, आराम से मतलब सेफली बैठ सकते हो आप लोग। बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मतलब पूरा घूम के देखना है मेरे को। ओ भाई देखो मेरे को आज ऐसा फील हो रहा है, मतलब का ही बताओ डूड सीरियसली। और अभी जाएंगे ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर जाना है, इतना कुछ होगा वो सब कुछ ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। हाय शकीर भाई, बहुत ही एक्साइटेड हो मंडी भाई, रेडी हो? तो लेट्स गो गाइस। मतलब डेंजर डेंजर चीज है, उन सभी से खेलेंगे, हम तीन बंदे हैं, तो फुल एंजॉय डूड। वीडियो को एंड तक देखते रहो क्योंकि ब्लॉग में आग लगाने वाला है। गाइस यहाँ का स्विमिंग का जो वाटर है ना गाइस, का ही बताओ, देख के मतलब ऐसा मेरे को जी कर रहा है अभी जाके यहाँ पर कुछ करो, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल ये लोग को फोटो शूट कर लेता हूँ। और स्विमिंग देख सकते हो भाई। तो गाइस फाइनली जा रहा हूँ ऊपर, और ऊपर जाके ऊपर से गिरेंगे, तो बहुत ही मजा आएगा डूड। तो चलो देखते हैं क्या होता है, हम दोनों ऊपर जा रहे हैं, तो देखते हैं फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा होता है। ओ भाई इसका खतरनाक है फर्स्ट एक्सपीरियंस, और ऊपर जाके नीचे गिरना है, तो लेट्स गो डूड। मोबाइल वाटरप्रूफ नहीं है, दिखा सकता हूँ या नहीं पता नहीं, तो देखते कहाँ से गिरना है भाई। पहले एक बार मारा था, नहीं हुआ अच्छा से, तो फिर से ट्राई करेंगे, तो लेट्स गो डूड। यहाँ पर तो दिखा दिया, तो यहाँ पर एक म्यूजिक का डिस्को बार है, जहाँ पर लेडीज का और गर्ल्स का अलग अलग कंपार्टमेंट है, जहाँ पर डांस कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा डांस करके दिखाता हूँ इधर अंदर में जाके, चलो भाई आओ। तो ये है यहाँ पर डांस होता है डिस्को डिस्को, इसका अंदर जाएंगे और डांस करके दिखाएंगे। सो लेट्स गो गाइस। तो गाइस बहुत ही एंजॉय कर लिया है, सोच रहा हूँ कि उठ के दूसरा कुछ ढूंढू, कुछ नया ढूंढू। तो यहाँ पर मतलब सब कुछ बुरा लग गया, सुबह से मतलब स्विमिंग करते ही जा रहे हैं। इस वाले ब्लॉग में आग लगा देना भाई लोग फाड़ के। गाइस यहाँ पर चलते हैं एंड कुछ दिखाते हैं आप लोगों को, यूनिक कुछ दिखाएंगे तो मजा आएगा। यहाँ पर तो ऐसे मतलब ऐसे सो के जाना है। जो भी करो मजे करो एंजॉय करो गाइस, जिंदगी तो 2 दिन का है, खुल के जी लो, क्योंकि कब मरूंगा कब जीऊंगा पता नहीं, लेकिन एक दिन भी जीऊंगा तो एंजॉय करके जीऊंगा। ये चला गया दुनिया छोड़ के, ओए ओए भाई ओए 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 क्या हो रहा है तेरे को, देख सकते हो गाइस ये इतना नाटक कर रहा है, मतलब का ही बताओ। ये देखो उठो जे उठो रे, ओए इसको क्या हो गया, ओए समंदर में जैसा डेहो आता है ना, यहाँ पर ऐसे डेहो आता है, ये देख सकते हो। देखा गाइस इतना सारा मतलब मस्त, देखो कैसे आ रहा है डूड, बहुत ही मजा आ रहा है। मोटी भाई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत ही मजा आ रहा है। और एकदम क्लीन है जगह पूरा, और वाटर भी एकदम ना भी ना हो, मतलब बीमारी कुछ नहीं होगा, बुखार भी नहीं होगा, फीवर भी नहीं होगा। सो लिटरली गाइस मजा आया, मैंने तो बहुत एंजॉय किया, तुम भी आओ आके एंजॉय करो। तो गाइस यहाँ पर आने के बाद ऐसा लग रहा है गोवा में आ गया, ये देखो गोवा वाला बीच भी है, बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ।
अपना ब्लॉग जब भी अपलोड करूंगा तो टारगेट है अभी 20K लाइक फुल करवा दो गाइस, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस वाले ब्लॉग में। कहाँ से आया? करीमगंज डिस्ट्रिक्ट से गुवाहाटी तक आया, तो सोचो कितना मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारा भाई। सो डूड जल्दी से जल्दी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो गाइस ये देखो अभी इस पर चढ़ने वाला है, बहुत डेंजर है गाइस, इसमें से गिर गया तो सोचो गया। सो गाइस देख सकते हो कितना डेंजर है भाई, देखो अभी यहाँ पर जाके चढ़ेंगे एंड देखेंगे, मजा लेंगे डूड। सो लेट्स गो, मेरे को आज बहुत अच्छा लग रहा है, कल नाइट से मैं सोया नहीं डूड, मैं कल नाइट से ट्रेन में इतना सोया नहीं और ठीक से खाना भी नहीं खाया, दिन रात ब्लॉग ही शूट कर रहा हूँ। तो चलते हैं। तो भाई जैसे कि तुम लोग को दिखाया था इसमें बैठेंगे और बैठ के यहाँ पर देखते तो पूरा झोला है, तो इसको झोल के बहुत डेंजर है, ये भाई ने पहले ही बता दिया है, तो बहुत डेंजर है, फिर भी तुम लोग के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा मज़ा आएगा डूड, तो देखते रहो कैसा होता है। तो मैं भी डर रहा हूँ, फर्स्ट ट्राई है और मेरा दो फ्रेंड है आउटसाइड में और कोई नहीं है, देखते एकदम खाली है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट हो गया है, बहुत ही मजा आ रहा है डोट, लाइक करो वीडियो को, लाइक करो जल्दी से जल्दी। ओ भाई साहब खतरनाक। तो बहुत ही मजा आया, तो फिनिश हो गया है लिटरली गाइस, बहुत ही मजा आया, कभी भी आओगे तो इसको मिस मत करना, बहुत ही इंजॉयफुल है। और यहाँ पर लॉक है, लॉक को ओपन करना है, देख सकते हो कुछ इस टाइप से लॉक ओपन करना है और इसको ऊपर उठाना है एंड पूरा रुकने के बाद नीचे उतरना है, तो सेफली टेक केयर। हाँ अभी नीचे जाएगा, ये बहुत ऊपर रूम है तो अभी नीचे जाएगा, तो इसका नीचे जाने का वेट करना है, जब नीचे जाएगा तब उतरना है। तो ऐसा अभी ट्रेन चढ़ने वाले हैं, तो चलिए आंटी किस में बैठना है, आगे बैठना है क्या? देखो यहाँ पर ड्राइविंग में बैठेंगे हम लोग, मेरे को सामने दो तो ब्लॉग में तुम लोग आओगे। सो डूड फाइनली ट्रेन में बैठे और मस्त देख सकते हो, एकदम ओपी नजर आए भाई, मजा आ रहा है डूड, ये देखते इधर और भी डेंजर चीज है, लेकिन ये सब हम लोग का नसीब में नहीं है, सभी हम लोग को जाने के लिए नहीं मिला है वो भाई, देख सकते हो ऊपर से नीचे गिरने का है, हम लोग को चांस नहीं मिला है इसमें, शिट मैन, इससे कुछ भी मतलब हो नहीं पाया जैसा सोचा था, उधर जाके बड़े बड़े जो रिंग होता है हॉल में घुस के नीचे गिरने का सो भी है, लेकिन टाइम बहुत छोटा है, मतलब इतना कम टाइम है, मतलब हम लोग करीमगंज से आया ना गुवाहाटी, तो फिर से घर भी जाना है वापस, और ट्रेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी सोचना पड़ता है यार। सब कुछ हुआ इन लोगों का वजह से, ये लोग ना ये पानी में मतलब इतना एंजॉय कर रहे थे ना, मतलब क्या होता, मैं बोल रहा था कि इतना और कुछ है ना नया, कुछ ट्राई करते हैं, ये लोग आ ही नहीं रहे थे। और ये देखो यहाँ पर एक बंगला का जैसा है, इसमें भी आ सकते थे, लेकिन ये लोग का वजह से मेरा पूरा दिन बिगड़ गया है, लेकिन ये पीछे से बोल रहे हैं लिटरली गाइस फनी। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू मेक श्योर दैट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सो गाइस मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।